हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में शॉर्ट स्टोरीज की जो सीरीज चल रही है उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी का हेडिंग है द डंकी एंड द डॉग, गधा और कुत्ते के बीच की स्टोरी है। वंस, यहाँ पर हम लोग वंस कॉमा है, अ वाशरमैन हैड ए डंकी एंड ए डॉग। तो हम लोग यहाँ पर वंस का लगाएंगे किसी समय, इसका अर्थ क्या जाएगा यहाँ पर सेंटेंस के मुताबिक, किसी समय एक धोबी एक गधा और एक कुत्ता रखता था, चूंकि हैड है यहाँ पर तो पास्ट में चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द डॉग यूज टू गार्ड हिज मास्टर्स हाउस एंड द डंकी यूज टू कैरी स्टैक्स ऑफ क्लोथेज ऑन हिज बैक। दो सेंटेंस को जोड़ा है यहाँ पर एंड से, तो पहले हम लोग इसका हिंदी करते हैं। देखिए, कुत्ता जो था किया करता था, यूज टू का मतलब वो क्या होता है, किया करता था, गार्ड रखवाली, हिज मास्टर्स हाउस, यहां पर एपोस्ट्रॉफ और एस है, इसका मतलब क्या हो जाता है, का, अपने मालिक का मकान का गार्ड किया करता था, मतलब पहरेदारी किया करता था। और द डंकी गधा यूज टू किया करता था क्या, कैरी स्टैक्स ऑफ क्लोथेज, स्टैक्स ऑफ क्लोथेज का मतलब क्या हो जाता है, कपड़ों का ढेर। तो डंकी कपड़ों का ढेर ढोया करता था, किस पर ढोया करता था, ऑन हिज बैक, मतलब अपने पीठ पर ढोया करता था। चलिए आगे। वन नाइट, एक रात, अ थीफ गॉट इनटू द हाउस, गॉट इनटू का मतलब हो जाता है घुस जाना, तो एक चोर घर में घुस गया। Even after seeing the thief, कॉमा है, the dog did not bark to alert the washerman. अब देखिए क्या हुआ, चोर को देखने के बाद भी, तो ये कौन देखा, तो यहां कॉमा है, तो इसके बाद जो सब्जेक्ट आएगा वही इसका सब्जेक्ट बनेगा। तो कुत्ता ने चोर को देखने के बाद भी क्या किया, कुत्ते ने नहीं भूखा, अलर्ट द वाशरमैन, मतलब कि धोबी को सतर्क करने के लिए क्या किया, कुत्ते ने नहीं भूखा, यहां तक कि देखने के बावजूद भी, चोर को देखने के बावजूद भी। अब आ गया ये, वेन द डंकी क्वेश्चन द डॉग, अब हम लोग इतना तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, जब गधे ने कुत्ते से क्या किया, सवाल किया, क्या सवाल किया, सवाल का बारे में जिक्र नहीं है, ही आंसर्ड, ही मतलब कौन, कुत्ते ने जवाब दिया, द मास्टर डज नॉट केयर अबाउट मी, मालिक जो है मेरा ध्यान नहीं रखता है। अब आ गया, केयर अबाउट का मतलब होता है ध्यान रखना, तो मेरा ध्यान नहीं रखता है, ही डज नॉट इवन फीड मी प्रॉपरली, अब यहां पर है इवन का मतलब, यहां तक कि वह मुझे ठीक से खाना भी नहीं खिलाता है, प्रॉपरली का मतलब होता है यहां से ठीक से, आई वॉन्ट वेक हिम अप, मैं उसे नहीं उठाऊंगा, वेक हिम अप का मतलब हो गया उसे नहीं उठाऊंगा, और वॉन्ट से जाएगा गा, ठीक है। आगे आते हैं, द डंकी रिक्वेस्टेड द डॉग टू बार्क, अब गधे ने रिक्वेस्ट किया, मतलब उनसे रिक्वेस्ट पूर्वक कुत्ते को कहा कि भूको, विनम्र निवेदन किया कि तुम भूको, बट द डॉग डिड नॉट लिसन टू द डंकी, लेकिन कुत्ते ने गधे की बात नहीं सुनी, डिड नॉट लिसन टू द डंकी का मतलब यहां पर क्या हो गया, सेंस है गधे की बात नहीं सुनी, लिसन का मतलब होता है सुनना। अब आ गया ये, हेंस, अब हेंस का मतलब क्या हो गया, इस तरह, अब इतना होने के बाद आगे की स्टोरी में देखिए क्या होगा, इस तरह द डंकी ब्रेड लाउडली, ब्रेड का मतलब होता है चिल्लाना, तो डंकी चिल्ला रहा है, तो डंकी हेको हेको टाइप एक आवाज निकालता है, तो उस तरह से वो अब चीखने लगा जोर से, लाउडली मतलब जोर से चीखने लगा, आवाज निकालने लगा, विच वोक अप द वाशरमैन, जो क्या, जो ये चीख रहा था उसने वोक अप कर दिया, मतलब उठा दिया, वेक अप होता है उठाना, वोकअप है मतलब उठा दिया, किसको, धोबी को, वाशरमैन को उठा दिया, द थीफ रैन अवे फ्रॉम द सीन,
अब थीफ जो था, चोर जो था, रैन अवे, भाग गया कहां से, फ्रॉम द सीन का मतलब यहां पर घर में घुसा हुआ था, तो सीन की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, घर से भाग गया। दी वॉशरमैन कुड नॉट फाइंड एनी वन, अब जो धोबी था किसी को ढूंढ नहीं पाया। ही गॉट फ्यूरियस एट द डंकी, अब फ्यूरियस का मतलब क्या होता है, क्रोधित हो गया, वह गधे पर क्या हो गया, क्रोधित हो गया। एंड थ्रैश द पुअर डंकी विथ ए स्ट्रिक, थ्रैश मतलब होता है बुरी तरह से मारना, और बेचारे, यहाँ पुअर का सेंस जाएगा बेचारा गधे को, जो कर तो सही रहा था, पूरी तरह से गधे को पीटा, किससे, विथ ए स्टिक, छड़ी से। अब देखिए आगे, वन मस्ट फोकस ऑन वंस ड्यूटी, यहां वन का मतलब क्या जाएगा, किसी को या कोई भी आदमी को, कोई भी आदमी को या कोई भी चीज को फोकस करना चाहिए, मस्ट फोकस का मतलब फोकस करना चाहिए, वंस ड्यूटी, सिर्फ अपने काम पर। अब गधे का काम क्या था, कपड़ा ढोने वाला, तो वो काम यहां पर क्या कर दिया, कुत्ते वाला काम कर दिया, तो बेचारा इसमें पिटा गया। तो यहीं पर दे रहा है ये कि वन मस्ट फोकस ऑन वंस ड्यूटी, वंस ड्यूटी का मतलब ये पोस्टॉप फॉर एस है, तो अपनी ड्यूटी पर फोकस करना चाहिए, वन वन से ही यहां पर जैसे भी इसका वंस बना है। एंड लेट अदर्स डू देयर ओन, और दूसरे को अपना काम करने देना चाहिए। तो ये स्टोरी था। अब आते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी पे, इफ इट डज नॉट इन्वॉल्व यू इट शुड नॉट कंसर्न यू, अब कह रहा है कि अगर किसी चीज में आप इन्वॉल्व नहीं है तो इससे आपको चिंता नहीं होनी चाहिए। मान ले कि किसी काम में आप हैं ही नहीं, तो उस चीज में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इससे आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये आज की स्टोरी थी, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।